और मौके का हाल आपके सामने रख रहे हैं, सूरत हाल क्या है। ये चार तस्वीरें आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे, ये नज़र आ रही हैं किस तरीके से अलर्ट मोड पर है स्थानीय प्रशासन। पुलिस का फोर्स मौके पर तैनात किया गया है और आज फिर से विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो समर्थक हैं वो मौके पर जमा हो सकते हैं। धूनी जो है कुर्क की गई है, रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई है और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो संपत्ति की लड़ाई है वो सड़क पर इस रूप में उतर आई है कि एंट्री को लेकर दरअसल विवाद जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। शाम की अगर बात कर ली जाए तो समर्थक वापस लौट आए, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि फिर से समर्थक जो है सिटी पैलेस के बाहर जुटेंगे एंट्री को लेकर। अब एंट्री होगी या नहीं होगी, संपत्ति कोई पूरा विवाद है, कैसे ये जो क्लैश की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, गतिरोध की जो स्थिति बनती नज़र आ रही है, ये गतिरोध आखिर कैसे टूटेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो चला है। और सहयोगी हैं संजय व्यास जो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, मौके का हाल बता रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं के पास लिए चलते हैं और ज़रा जान लेते हैं संजय, क्योंकि आप जी पूरे मरी, मामले को लगातार कवर कर रहे हैं, ताजा अपडेट क्या मिल रही है? कल तो समर्थक लौट गए, आज फिर से जुटने वाले हैं। जी मणि, मैं आपको बता दूं कि सवेरे जब हम स्पॉट पे थे तो वहां पर लगातार पुलिस की आवाजाही बढ़ रही थी और इस 11 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि समर्थक एक बार वापस आएंगे, लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक अमला है उसने पूरा चाक चौबंद अपनी व्यवस्थाएं कर ली है और 3 लेयर में सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया गया, 3 लेयर के बैरिकेट लगाए गए हैं और भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। तो इसके चलते हुए प्रशासन यही चाहता है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो, और जैसे ही कल रात को कुर्की का चस्पा दिया गया था सिटी पैलेस के गेट के बाहर, तो एक ऐसा रास्ता भी निकल सकता है कि विश्वराज की तरफ से एक कोई एप्लीकेशन दी जाए और प्रशासन को कहा जाए कि मुझे दर्शन करने हैं। इसके ऊपर जो रिसीवर नियुक्त किया गया है वो इस आगे की कार्रवाई को अंजाम देगा कि इनको किस तरह से वहां पर दर्शन कराने की इजाजत दी जाए। ठीक है संजय, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। इस पूरे मामले पर हम देख पा रहे हैं कि प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं जिनका कल राष्ट्रतिलक किया गया, और अरविंद पोसवाल हैं जिला कलेक्टर, दोनों क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा वो सुनवा देते हैं। मने खुशी है कि मेवाड़ रा मनक सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके, और मारे और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे, सभ्यता हूँ आवाज़ उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। तो जटे भी गलत काम दे रहे हो, आपने आवाज़ तो उठानी है लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। एक बात भी खेद है कि कई तरह हूँ जो प्रशासन की जो कमियां हैं, जो पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी, और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है, और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य है और लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए। हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी, और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है, और अभी बिल्कुल स्थिति सामान्य है और लोग यहां से निकलना शुरू हो गए। और संजय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, अरविंद सिंह जिन्होंने नोटिस जारी किया सार्वजनिक तौर पर और सिटी पैलेस में जाने के खिलाफ, अब क्या कह रहे हैं अरविंद सिंह इस पूरे मामले पर? देखिए, उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है उसके तहत ऐसा लग रहा है कि इस प्रक्रिया में एक संवैधानिक अधिकार होता है, किसी भी आदमी को अपने यहाँ मंदिर में जाके दर्शन करने का एक संवैधानिक अधिकार होता है, यदि उसको रोका जाता तो ये तरीका ही गलत है, क्योंकि हर आदमी को अपनी
देवी देवता या कहीं पर भी जाने का अधिकार होता है। तो इसके चलते देखा जाए तो इस अधिकार का उपयोग उनको मिलना चाहिए और किसी देवी देवता को दर्शन करने के लिए किसी को नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नोटिस जो दिया है उसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि समारोह के नाम पर आपराधिक अतिचार करने का प्रयास किया जा रहा है, अनाधिकृत व्यक्तियों का मंदिर और सिटी पैलेस पर प्रवेश जो है प्रतिबंधित रहेगा। इस पर क्या कह रहे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कह रहे हैं कि भाई अतिचार करने का प्रयास किया जा रहा है आपराधिक तौर पर? नहीं देखे, विश्वराज जी ने यही कहा था कि भाई हम लोगों को एक बार दर्शन करने की इजाजत दी जाए और कुछ उनके साथ जो लोग बाग हैं जो राज तिलक के अंदर वहां पर जो 32 उमराव 16 उमराव थे उनके साथ जाकर एक दर्शन करने की प्रक्रिया को उन्होंने कहा था। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए जब सिटी पहले से ना दिया गया तो उनके समर्थक वहां से लगातार धीमे धीमे इकट्ठा होने चालू हो गए और इसी के बाद देर रात को आपको बता दें कि पथराव की घटना हुई, अंदर की साइड से पथराव हुआ और इसके चलते वहां पर थोड़ी सी लोगों को लगी भी। तो अब कह सकते हैं कि अब 11 बजे का समय है जब ये पुनः एक बार वार्ता या फिर ये अधिकृत व्यक्ति जो है अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश देने का फैसला किया गया। संजय कौन है अधिकृत व्यक्ति? मतलब उनका कहना है कि जो हम लिस्ट देंगे वही लोग अंदर आके दर्शन करेंगे धोनी के, तो ये अधिकृत व्यक्तियों की बात कही गई है कि जैसे विश्वराज जी के साथ कौन कौन आएगा या कौन कौन दर्शन करेगा, इस तरह से उनका कहना है। अब इस पर विश्वराज सिंह मेवाड़ क्या बोल रहे हैं कि अगर एंट्री नहीं होती है उनकी तो वो क्या करेंगे, मुकदमा उनकी ओर से दर्ज कराया जाएगा, क्या उनका रुख रहेगा? देखिए अभी तो रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है, घंटाघर थाना का थाना अधिकारी है, उनको रिसीवर नियुक्त किया गया है। तो अब यह कहा जा सकता है कि यदि विश्वराज सिंह जी एक एप्लीकेशन या फिर कुछ लिखित में देवे कि हमें दर्शन करने हैं, उसके बाद रिसीवर और प्रशासन दोनों ही वो किस तरह से आगे कार्रवाई करेंगे कि इनको किस तरह से दर्शन करवाया जाए, ये देखने की बात होगी। क्योंकि इससे पहले जब जुड़े थे हमारे साथ विपिन सोलंकी, उन्होंने बताया था कि कुछ हैं पहलू जिन पर कुछ बिंदु हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ बिंदु अभी भी अटके हुए हैं जिन पर गतिरोध बना हुआ है। कौन कौन से बिंदु जिस पर अभी तक गतिरोध बना हुआ है? बिल्कुल देखे, संख्या के ऊपर सबसे बड़ा गतिरोध बना हुआ है कि कितने जने वहां पर जावे, क्योंकि सबसे बड़ा गतिरोध ही यही है कि अधिक से अधिक संख्या में अंदर जाने की अनुमति नहीं देना चाह रही है सिटी पैलेस पर। और वहां से ही कहा जा रहा है कि हम लोग जो हमारे साथ जो उमराव वगैरह हैं उनके साथ हम लोग वहां दर्शन करेंगे। जिला प्रशासन की और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्वराज और उनके समर्थकों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश भी की थी संजय, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है, क्या फिर से बातचीत होने वाली है? बिल्कुल, कई दौर लगभग कहीं कल वहां पर बातचीत हुई थी लेकिन कई मुद्दों पर सहमति हुई, कई मुद्दों पर असहमति हुई, लेकिन आज फिर एक बार प्रयास किए जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे के करीब विश्वराज सिंह जी और कलेक्टर और एसपी के द्वारा कोई एक बार फिर प्रयास करने का कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी तरह से माता धोनी जो है वहां पर दर्शन किए जाए और इस मुद्दे को पूरा सही तरीके से उसको शांत किया जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय व्यास, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर शुक्रिया आपका।